अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूअर्स, की मोहम्मद इमरान कंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में मुझे फ़ोन कॉल्स बहुत आती हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो जिस्म से कोलेस्ट्रॉल भी खारिज करे और जिस्म के तमाम फासद मादों को खारिज करे, वज़न कम करे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो नुस्खा लाया हूँ वो जिस्म से फालतू मादों को भी खारिज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी खारिज करेगा, वज़न भी कम करेगा और आपकी बॉडी को बिल्कुल तमाम किस्म के मुज़र जो मवाद हैं वो खारिज करके बॉडी आपकी हल्की फुल्की कर देगा, रंग चेहरे का निखार देगा। तो आते हैं नुस्खे के अज़ा की तरफ। उससे पहले वही पुरानी एक छोटी सी दरख्वास्त, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें, तो ताकि आप हमारी जो नई वीडियोस हैं वो जल्द अज जल्द आप देखें, आप तक पहुंचें। तो अब आते हैं हमारे नुस्खे के अज़ा की तरफ। कोई लंबे चौड़े अज़ा नहीं है, हकीम इमरान कंबो की यही तो खूबी है। मैं अपने मुँह खुद नहीं तारीफ़ करता कि मैं लंबे चौड़े नुस्खे नहीं बताता, इधर उधर की किसे कहानियाँ नहीं सुनाता, सीधी पॉइंट पे बात करता हूँ। ये मैं जो अब इस डब्बे से पत्ते से निकाल रहा हूँ, ये इसका नाम है लेमन ग्रास, इसको कहते हैं लेमन ग्रास। ये हमारे देहातों में, हमारे खेतों खलिहानों में ये पहले आम लगा होता था। इसको अरबी ज़ुबान में अज़हर कहते हैं और जो सबसे अच्छा होता है ये सऊदीया वाली साइड से आता है, इसको अज़हर मक्की कहते हैं सऊदीया में, अज़हर मक्की। ये अल्लाह के फ़जल से एक ऐसी चीज़ है कि अंग्रेज़ों ने इस पर तहकीक की और निचोड़ पाया कि दुनिया में कैंसर का इससे अच्छा इलाज कोई नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी रवायात को बुला दिया है, अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातों को मजाकों में उड़ा दिया है। अमूमन हमारे बड़े बुज़ुर्ग इस कावे को इस्तेमाल किया करते थे खाने के बाद। ये ज़रा अच्छी क्वालिटी का है, आपने भी इसी तरह अच्छी क्वालिटी का लेना है, ठीक है जी। ये हर पंसारी से मिल सकता है, हर अच्छे स्टोर से मिल जाता है लेमन ग्रास, ठीक है जी। LEMON लेमन GRASS ग्रास, लेमन ग्रास। उर्दू में भी इसको अब लेमन ग्रास ही कहते हैं, लेकिन अगर आप अंसारी के पास जाएं तो उसे अज़हर मक्की के नाम से कहेंगे, वो दे देगा अज़हर मक्की। तो जनाब, इसका कावा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कप में गर्म पानी लाओ यार, और छोटी प्लेट भी लाना। ये गर्म पानी मैं फ़ौरन अपने लिए अपने पास इसलिए करीब नहीं रखा कि वो फुल गर्म गर्म नहीं था आना। जब तक ये कावा तैयार होगा मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ें आपने गौर से सुननी है। अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। लें जी, ये कावा तैयार करना है वो मैं बता दूँ, आपने ये कावा तैयार करना है। अमूमन लोग कावा नहीं चुशांदा तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इतने, ये बमुश्किल एक चम्मच होगा, इतना कर लें बस एक चम्मच। इसको ऐसे डाल के चम्मच वगैरह से डुबो लें, ठीक है जी। तो इसको चम्मच वगैरह से अच्छी तरह डुबो के इसको ऐसे दम लगा कर ढक लें। ले जी, ये है कावे का तरीका। जिस जगह मैं आपको कावा बताऊं आपने ऐसे ही करना है कि गर्म पानी के अंदर वो चीज़ डाल के इसको ढक देना है 3 से 4 मिनट के लिए, इसको कहते हैं कावा। जो लोग आप क्या करते हो कि आप लोग इस चीज़ को पानी को चूल्हे पर रख के चीज़ उसमें डाल के पकाते हो, उस चीज़ को कहते हैं जोशांदा। कावे और जोशांदे में क्या फ़र्क है? कावा इस चीज़ को कहते हैं कि जिस में मरीज़ को सिर्फ किसी भी जड़ी बूटी के लतीफ़ यानी नरम अज़ा पिलाने हो उसको हम कावा कहते हैं। जिसमें हमने मरीज़ को उस चीज़ की तमाम कसाफतें पिलानी हो, उस जड़ी बूटी की तमाम कसाफतें पिलानी हो, उसे हम जोशांदा कहते हैं। जोशांदा बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि चूल्हे पे आप पानी चढ़ाएं और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए जड़ी बूटियां उसमें डाल दें और उसको इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए, वो है जोशांदा, ठीक है।
और ये है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये है कहवा। तो आपकी मेहरबानी, आप लोग इस चीज़ को गौर में रखें, जिस जगह आपको कोई भी हकीम कहवा बताता है तो कहवा इस तरह बनाना है, जुशांदे का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अमूमन आप लोग गलती करते हो कि कहवे की बजाय जुशांदा ही हर चीज़ का बना के पी लेते हो, जो आपको फ़ायदा नहीं देता। देखें, आप ग्रीन टी पीते हैं ना, वो टी बैग वाली, गर्म पानी में डुबो के वो पीते हैं, वो है कहवा। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कहवा। ये चीज़ आपको ना, ये टेक्निकल चीज़ आज तक किसी वीडियो में नहीं आपको बताई होगी, क्योंकि हमारे हकीम हज़रात हैं नहीं, है वीडियो यूट्यूब पे बहुत कम होंगे, तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। लें जी, ये कहवा तैयार हो रहा है, उतनी देर इसके फ़ायदे सुन लें। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए आप इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में इसको हिस्सा बना लें। एक या दो कप खाने के 15 मिनट बाद आप लाजमी पिया करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, और बिल्कुल आप टेस्ट करवा लेना, आप खुद हैरान होंगे कि बगैर किसी मेडिकल दवाइयों के आपका जनाब ये बिल्कुल ठीक हो गया। दिल के मरीज इसे अपना मामूल बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ब्लॉकेज का मसला हो ये फ़ौरन हल हो जाएगा। नंबर दो, जिनके जिस्म के अंदर फालतू चर्बी है, फालतू चर्बी की वजह से वेट बढ़ गया है, वो लोग इस कहवे को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वेट में कंट्रोल आएगा। जिन ख़वातीन को अपना रंग फेर करना है, वो इस कहवा दिन में एक दो कप इस्तेमाल करें, रंग फेर होगा। कैंसर के मुतालिक मैंने इसकी इंटरनेट पे भी तहकीक पड़ी है, लेकिन मेरे ज़ेरे मुशाहिदा नहीं है, मैं इसलिए आपको बड़े इस तरह नहीं बताऊँगा कि बहरहाल मैंने तहकीक पड़ी है, ये कैंसर के लिए बहुत आला चीज़ है। ठीक है जी, और इसके अलावा जिन अल्लाह आपका भला करे, जिन को हेपाटाइटिस की वजह से इस्तस्का यानी पेट में पानी पड़ जाने का मर्ज होता है, ये उसके लिए भी काम आता है, लेकिन उसके लिए इसका अर्क निकालना पड़ता है। अर्क आप नहीं निकाल सकते, अर्क आप बना हुआ ले सकते हैं किसी भी पंसारी से, अर्के अजखर के नाम से। अर्के अजखर बहुत आला चीज़ है, जिगर को बहुत ताकत देता है, जिसम से फासद मादों को खारिज करता है वो अर्क, लेकिन प्योर हो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ फ़ायदा ज़रूर देगी। तो इसके अलावा ये आप इस्तेमाल करें, ठीक 5 से 7 दिन के बाद आपको ऐसे फील होगा कि जिस्म के अंदर चुस्ती आ गई है, जिस्म से थकावट दूर हो गई है और जिस्म फिट फाट हो गया है। तो जनाब मुझे उम्मीद है अभी तक कहवा तैयार हो गया होगा। ठीक है जी, बीनी बीनी सी खुशबू जैसे होती है ऑरेंज की, संतरे की, वो आनी शुरू हो गई है, ये देखें बाफ निकल गई है। ठीक है जी, ले जनाब ये हमारा कहवा तैयार है। अभी मेरे पास चाय वाली पौनी नहीं है, नहीं तो मैं जनाब चाय वाली जो छाननी है मैं उससे छान लेता, लेकिन ये इसके अज़ा बड़े बड़े हैं, तो जनाब ये निकाल दिए मैंने बाहर वैसे ही चम्मच से ही। ठीक है जी, बहुत प्यारा सा मज़ेदार सा कहवा तैयार हो गया है। शहद भी पकड़ें जनाब, शहद इसके अंदर मिला के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करीब करें, ये देखिए कितने प्यारे कलर का कहवा सा तैयार हो गया। ठीक है जी, हल्का सा ये देखें, और इसके अंदर आप शहद मिला के, मैं तो खुद पीऊँगा ये जनाब, ये एक चम्मच शहद मिला लें, कोई पाबंदी नहीं है, शुगर के मरीज शहद ना मिलाएं। ठीक है जी, ये जनाब बहुत मज़ेदार कहवा अभी तैयार है, ये ले जाएं। तो इंशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त कहवा तैयार हो गया, शहद मिला के इसका टेस्ट आप चेक कर लें, सुबह खाली पेट पिए, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से गारंटी से आपका वज़न कम होगा और कोलेस्ट्रॉल मिनटों में भाग जाएगा। लें जी तैयार है, अब मैं वीडियो मुकम्मल करने के बाद इसे पीता हूँ। तो इस दुआ के साथ हकीम इमरान कबूर को इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।